आपने 40 साल तक कांग्रेस की सेवा की, क्या परिस्थितियां रही आपको कांग्रेस? मैंने बताया और पहले भी जब इस्तीफा दिया तो मैंने बताया था, पार्टी से बड़ी राष्ट्र होता है, राष्ट्र बड़ा है हमारे लिए। 5 अगस्त 2019 को जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने फैसला लिया कि 370 अनुच्छेद 35 ए हटाया जा रहा है, तो करोड़ों देशवासियों ने उनको बड़ा राहत मिली, बड़े प्रसन्न हुए, उत्साह बढ़ा कि आज कश्मीर हमारा है। उसी में कृपा शंकर थे, मैंने अपनी बात कही। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलते हो, बिल्कुल खिलाफ नहीं बोलता हूँ। हमारे लिए पार्टी बड़ी नहीं है, हमारे लिए देश बड़ा है, यही एक इशू। और मैं एकमात्र कांग्रेस के आदमियों को इस्तीफा दिया, मेरा और कोई मतलब नहीं था। मुझे चुनाव भी लड़ाना चाहते थे, मैं बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ा, दूसरी पार्टियाँ लड़ाना चाहती थी, लेकिन भाजपा भी चाहती थी मुंबई में, शिवसेना जैसे पार्टी मुझे कहा, हमने कहा नहीं, हम 370 आर्टिकल लड़ाई लड़े हैं, आज चुनाव लड़ लेता तो लोग बोलते कि अपॉर्चुनिस्ट या अवसरवादी है, सिर्फ चुनाव लड़ने के पार्टी। मैंने पार्टी बदली है, विचारधारा से बदली। 2012 में आपने आरोप लगाए थे कि भ्रष्टाचार के पेड़ चढ़ाकर आपकी राजनीति को भ्रष्टाचार का पेड़ चढ़ाया, अब भाजपा में आप शामिल होने जा रहे हैं, कितनी कृपा रहेगी भाजपा पर आपकी और कितनी कृपा रहेगी आपकी? विचारधारा से जुड़ा हूँ, उस विषय को अगर कोई समझ लेता तो शायद विषय की बात नहीं करता। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया हूँ राष्ट्रवाद के सूबे, मैं राजनीतिक आदमी हूँ, मुझे राजनीति करनी है, और कोई पार्टी मुझे नहीं दिखाई पड़ी कि जिस पार्टी के साथ मैं जाता। देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, विचारों में तालमेल हुआ और मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। 22 में चुनावी पार्टी यहाँ से खेलेंगे जो मैंने कहा भी अपने उद्बोधन में, यहाँ सबसे जूनियर में हूँ, पार्टी में शामिल हुआ हम, कोई पार्टी में मतलब जाकर कोई समझौता नहीं होता, ये मेरी जन्मभूमि है, वो मेरा कर्मभूमि है। महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, यहाँ मैं आता हूँ, लेकिन आज एक सबसे बड़ी बात जो है, जो मुझे मेरी ज़िंदगी में पहली बार इतना प्यार मिला है, आज एक मंच पे भारतीय जनता के सभी आदरणीय विधायक, सभी आदरणीय सांसद और एक सांसद दूसरे इलाके से होकर के जो मुझे प्यार बहुत करता है, इतने लोग इकट्ठा हो गया ना और पूरी लास्ट तक सुन रहे बैठे, नहीं तो मुख्य अतिथि बोलते और कहीं रवि किशन जी बोलते, बाद में कोई सुनता नहीं है, लेकिन आज मैं देख रहा था वो सारे लोग कृपा शंकर को आशीर्वाद देने आए थे। पार्टी जो निर्णय लेगी, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी जो निर्णय लेगी उस पर हम काम करेंगे। समाज के साथ रहने वाले दल हैं, हमारे नेता जिनके नाम पर, जिनके काम पर, जिनके चेहरे पर हमने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहराया है, देश और प्रदेश में हम सरकार बनाकर जनता की सेवा कर रहे हैं, हम तिलक को अपना सम्मान मानते हैं, तिराजू को अपना आधार मानते हैं और तलवार को रक्षा का संकेत मानते हैं, उसे अपने सर पर रख कर चुनाव की नैया को पार लगाने का सूत्र मानते हैं। इसलिए ब्राह्मण मेरा आराध्य है, मेरा आराध्य रहा है, मेरा आराध्य रहेगा। उन्होंने हमें धर्म सिखाया, हमें कर्म सिखाया और जन्म से ही उन्होंने कैसे हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हों इसका पाठ पढ़ाया है। इसलिए हम पैदा हुए हैं उनके चरण पर अपना मस्तक रख के आशीर्वाद लें और देश के कल्याण के लिए उनके माध्यम से प्रभु से प्रार्थना करें। इसलिए जो ये छोटे मोटे दल हैं, ये बरसाती मेढक की तरह चुनाव के पहले जो अनावश्यक बात कर रहे हैं, इसका कोई असर नहीं है। सर्व समाज इस देश का मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश में योगी जी पर विश्वास करता है, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ वो आगे बढ़ रहा है। आप देखिए कांग्रेस के कितने बड़े नेता जौनपुर में जिनका जन्म हुआ, जिन्हें पूरा महाराष्ट्र में ही कई राज्य जानते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर, 370 के नाम पर, 35A के नाम पर उनका आत्मबल जागा, उनका आत्मविश्वास जागा, उनकी आत्मा ने झकझोरा और कांग्रेस को ठोकर मार के मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया, उसके सदस्य बने। आज पूरे जौनपुर में यह नई भारत लिखी गई,
कि सभी श्रेणी के जनप्रतिनिधि एक मंच पर एक व्यक्ति के आने पर किस तरह से आह्लादित और प्रसन्न थे वो उनकी एकजुटता ने इसे प्रमाणित किया है। इसलिए आप सबका सहयोग पिछले चुनाव में भी प्रेस का मिला है, इसमें भी आपका सकारात्मक सहयोग चाहिए। सब धर्म समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ब्राह्मण तो मैंने कहा कि मेरा मार्गदर्शक है, मेरा आराध्य है, उसने आराधना का मुझे पाठ पढ़ा है, वो हमें छोड़ के कहाँ जा सकते। सतीश चंद्र मिश्रा ने अयोध्या से शुरुआत की, मैं तो मानता हूँ।